हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम टू द वीकेंड पीआईबी एनालिसिस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ मई 2021, जहां पे कुछ ही मिनटों में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीजेस हैं जो आपके एग्जाम्स से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से वो आपके प्रिलिम्स में मदद करेंगी और किस तरीके से मेंस में हेल्पफुल होंगी। So let's see what are the things that we are going to discuss. So guys, today we are going to discuss four topics. As you can see on the screen, one by one we will discuss them and we will extract what we can extract from the exam point of view. तो जो पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दिस विच इज फाइबर एंड प्रोटीन राइस, विलेज राइस फ्रॉम तमिलनाडु एक्सपोर्टेड टू घाना एंड यमन। नाउ व्हाट इज दिस विलेज राइस? वेरी वेरी गुड पीटी क्वेश्चन बाय द वे। एंड व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ घाना एज वेल एज यमन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी, सो वी विल सी इन द फर्स्ट टॉपिक। देन द सेकेंड टॉपिक दोस्तों इज इंडिया एंड इसराइल साइन अ 3-year वर्क प्रोग्राम फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। जब भी इंडिया इसराइल रिलेशंस की बात आती है सबसे पहले डिफेंस आता है और सब स्टूडेंट्स डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, बट वट अबाउट एग्रीकल्चर? किस तरीके से एग्रीकल्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाय द वे इन टर्म्स ऑफ द इंडो इसराइली रिलेशंस, दैट इज समथिंग विच is often ignored by the students at the cost of their marks in GS2. So GS2 में हम देखेंगे किस तरीके से ये point हम वहाँ पे incorporate कर सकते हैं international relations में। Then we have the third topic which is first consignment of GI certified Shah Lichi from Bihar exported to UK. बहुत अच्छी बात है, it's a very good news. It helps in doubling the farmer's income. यहाँ पे आप mention कर सकते हो in GS3 and also it is important for your PT. Why? Because there might be a question, where is Shah Lichi from? Right? So आपको पता होना चाहिए this is from Bihar and what are the other agricultural products from Bihar? That is also something we are going to see in this particular one. So important from the perspective of PT specially. And finally, the fourth one is government launches Yuva Prime Minister scheme for mentoring young authors. So PT question, once again, you can simply be asked what is Yuva, right? And you would be left wondering, आपको लगेगा ये तो Ministry of Sports से related है या maybe some sort of venture for the young people of the country, entrepreneurship, startup से related है, but ऐसा नहीं है and exactly we will see what is this related to. But before that, here's a bit more about me. For those of you who are coming to my channel for the first time, or rather your channel, because this channel and all the initiatives are for you and they are geared in such a way that save you maximum time at the same time that give you quality content. So my name is Shailendra Singh. I'm an MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of civil services aspirants. दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट हेजिटेट टू प्रेस द लाइक बटन बिकॉज दीज सेशंस आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस एंड यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। सो यू कैन यूज सोशल मीडिया कंस्ट्रक्टिवली एज वेल। एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स, आपके ऊपर है किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसी चीज को, जस्ट लाइक अ गन और अ नाइफ एटसेट्रा, इजंट इट? तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच इज फाइबर एंड प्रोटीन राइस, विलेज राइस फ्रॉम तमिलनाडु एक्सपोर्टेड टू घाना एंड यमन। तो जब भी कोई कंट्री यूज में होता है, मैं कहता हूं कि सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी देख लो, सबसे पहले उसका लोकेशन देख लो, नेबरिंग कंट्रीज देख लो, कोई आसपास सी है क्या वो देख लो, बिकॉज एवरी ईयर यू नो देयर इज वन पीटी क्वेश्चन इन फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आता है और वो एक क्वेश्चन भी मेक और ब्रेक क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज जब आपका कट ऑफ मिस होता है ना तो वो 10 या 20 नंबर से मिस नहीं होता। इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट प्रोवाइडेड, वो मिस होता है 0.5 मार्क्स, 1 मार्क, 1.5, 2 मार्क्स, ऐसे में मिस होता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज आवर एंडेवर, एक मार्क भी मिस नहीं होना चाहिए। सो लेट्स चेक आउट द लोकेशन ऑफ घाना एज वेल एज यमन फर्स्ट। सो इन द केस ऑफ घाना यू कैन सी दैट दिस इज द कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, दिस द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, आप लोगों को शायद पता होगा। बट व्हाट एग्जैक्टली आर द नेबरिंग कंट्रीज, ये काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। So you can see these are the countries. One is this Cote d'Ivoire or Ivory Coast jisko bolte hain. So this is towards the west. Then on the north we have Burkina Faso,
एंड टूवर्ड्स द ईस्ट वी हैव टोगो और टोगोलैंड जिसको बोलते थे. तो ये घाना है, घाना की कैपिटल क्या है, एक्रा, एंड दिस इज अलॉन्ग द गल्फ ऑफ गिनी. गिनी करेंट भी बाय द वे आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, तो दिस इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू दैट. एंड लेट्स सी द लोकेशन ऑफ येमेन, अ वॉर टॉर्न कंट्री. हुती रेबल्स के बारे में आपने काफी सुना होगा, ईरान सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है, बिकॉज दे आर शियास. सो दिस इज येमेन, एन इम्पॉवरिश कंट्री, गल्फ कंट्रीज में सबसे गरीब देश है, काफी इम्पॉवरिश्ड है, सिविल वॉर ऊपर से चल रहा है. सो यू नो दैट वॉट वुड बी द सिचुएशन आउट देयर इन येमेन. एंड वट आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज, लैंड बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है. यू कैन सी सऊदी अरेबिया, द बिग बॉस ऑफ द अरब कंट्रीज, ओमान ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, एंड यू नो दिस इज द रेड सी एंड दिस इज द गल्फ ऑफ एडन ओवर हियर. एंड बाय द सोकोट्रा जो आइलैंड है, सोकोट्रा आइलैंड ये ब्रिटिश के अंडर में आया करता था बाय द वे, बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये भी येमेन का पार्ट है. तो आपसे पीटी में पूछा जा सकता है वेर इज सोकोट्रा आइलैंड लोकेटेड, एंड यू वुड बी वंडरिंग यार ये तो शायद अंग्रेजी नाम लग रहा है, तो प्रॉब्ली दिस इज बी लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बट नो दिस इज अ पार्ट ऑफ येमेन कंट्री ओनली. ओके, सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज द डेवलपमेंट, मतलब मुद्दा क्या है. ये तो हमने देख लिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये हमने क्लियर कर लिया, बट लेट्स चेक आउट व्हाट इज द डेवलपमेंट ओवर हियर. In a major boost to India's non-basmati rice exports, why it is specifically saying non-basmati rice exports? Because जो focus रहता है government का बासमती पे रहता है, और अभी तक जो demand भी है international market में वो बासमती rice ही होती थी, but अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, especially पिछले साल से जब से lockdown लगा है corona pandemic की वजह से, कि supply chains disrupt हो गई हैं और जो countries हैं उनको food की ज़रूरत है. And that is why many of them, they are not able to produce surplus food for themselves. And that is why the dependence upon India's non-basmati rice. So, wo grow kar raha hai. In fact, ek do saal mein bahut shoot up kar gaya non-basmati rice exports. So, two consignments of patented village rice. Now, please remember village rice. This is a very, very फाइन पीटी क्वेश्चन, प्रिलिम्स का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. What is village rice? कहाँ से associated है? तो आपको लगेगा यार गांव तो हर जगह ही होते हैं, तो कौन सी ऐसी जगह होगी जिसको विलेज राइस बोलते होंगे जहां पे ये ग्रो करता होगा. दिस इज सोर्स फ्रॉम कुंभकोणम तंजावुर डिस्ट्रिक्ट. सो तमिलनाडु है कुंभकोणम, यू नो दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द टेंपल टाउन. अगर जिन लोगों को नहीं पता है, दिस इज नोन एज द टेंपल टाउन ऑफ तमिलनाडु. इतने सारे यहाँ पे टेंपल्स है, एक अलग ही यहाँ पे हिस्ट्री है कुंभकोणम की, बहुत एंशियंट, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द एंशियंट चोलास. तो एक्सपोर्ट किया गया घाना एंड येमेन वाया एयर एंड सी रूट्स. इट्स अ वेरी गुड थिंग इंडीड फॉर द फार्मर्स ऑल्सो. इट इज लीडिंग टू डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम टूवर्ड्स द एम दैट द गवर्नमेंट हैज सेट फॉर हिमसेल्फ, व्हिच सेट फॉर इटसेल्फ, व्हिच इज डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022. अब क्या फायदे हैं, एनरिच्ड विद प्रोटीन फाइबर एंड अ वराइटी ऑफ मिनरल्स, विलेज राइस इज सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ तंजावुर, ऑल्सो नोन एज द राइस बोल ऑफ तमिलनाडु. सो तंजावुर का जो लोकेशन है, इट इज लाइक अ वेरी फर्टाइल ज्योग्राफी, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज द राइस बोल ऑफ तमिलनाडु. जस्ट लाइक राइस बोल ऑफ इंडिया इज वॉट, वॉट इज राइस बोल ऑफ इंडिया, विच रीजन, यू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. सो इट इज गॉट हाई प्रोटीन फाइबर एंड अ वराइटी ऑफ मिनरल्स. इन मार्च 2021 द फर्स्ट असाइनमेंट, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस फ्रॉम असम वॉज एक्सपोर्टेड टू US. तो ये तो हो गई विलेज राइस की बात. अब पीटी में आपसे ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, रेड राइस कहाँ से आता है, विच रीजन ऑफ द कंट्री इज रेड राइस फ्रॉम. यू शुड नो दिस इज फ्रॉम असम, ग्रोन इन द ब्रह्मपुत्र वैली. सो स्पेसिफिक टू दैट ज्योग्राफी, विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है. फॉरन में बहुत डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, उनको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, लेडन प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए ऑर्गेनिक. पैसा ज्यादा दे देंगे वो, दे आर वेरी हैप्पी टू गिव यू मोर मनी, बट इट शुड बी क्वालिटी प्रोडक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज. द राइस वराइटी इज रेफर टू एज बाओधान, अनदर पीटी फैक्ट. आई होप यू आर नोटिंग डाउन ऑल दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, प्रिलिम्स से पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई आई हैव स्पेशली हैंडपिक्ड ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द पीआईबी रिलीजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर वीक. So you can see that this is the village rice from Tamil Nadu, Kumbakonam village rice. This is the red rice from Assam, abhi baat ki thi, Brahmaputra Valley red rice. Isn't this very, very unique? Isn't this very unique? In fact, when I saw this for the first time, I was just awestruck. I was just speechless ki rice red color ka bhi ho sakta hai. I did not know actually. And this is the black rice from Manipur.
मणिपुर से बिलोंग करता है ब्लैक राइस, दिस इज जीआई प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है. सो दीज आर सम ऑफ द वैरायटीज ऑफ इंडिया, दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. यू कैन सी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ताकि फार्मर्स को भी इनकम ज़्यादा है, कंट्री को भी इनकम हो, एक्सपोर्ट्स होंगे तो डॉलर्स आएंगे एंड द कंट्री वुड बी बेटर ऑफ इकोनॉमिकली, जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा. Now, let's come to the next topic, which is India and Israel sign a 3-year work program for cooperation in agriculture. So, India और Israel का cooperation की बात कर रहे हैं. Generally, we talk about defense cooperation, थोड़ा सा हटके है, and this topic is going to be very, very important for your GS2. GS2 में international relations में आ सकता है that what are the basic foundation stones when it comes to the Indo-Israeli relations. So one is defense cooperation. सबको पता है, आंख बंद करके कोई भी लिख देगा. But what about other sectors? So other sector, a very important one by the way, is agricultural cooperation. As you can see from this statement, taking forward the ever-growing partnership in agriculture between Israel and India. That means ever-growing partnership पहले से चल रही है. The two governments have agreed to enhance cooperation in agriculture and signed a 3-year program agreement for development in agricultural cooperation. So, 3 saal ka program sign kiya hai while recognizing the centrality of agriculture and water sectors in bilateral relationship. So, centrality hai. So, centrality defense to hai. But, jab sarkarein bol rahi hai, this is from the government of India, ye jo press release hai, right? To सेंट्रैलिटी है तो सेंट्रैलिटी होगी. दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कोऑपरेट और टू लर्न रादर फ्रॉम इज़राइल, बिकॉज इज़राइल गाइस इट्स अ वर्ल्ड लीडर व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, व्हेन इट कम्स टू सम ऑफ द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो जो ड्रिप इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन. सो माइक्रो इरीगेशन के अंदर में ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो ये इसराइलीज ने डेवलप की हैं ये टेक्नोलॉजी, बिकॉज इसराइल इज़ अ वाटर स्कैस कंट्री, इज ऑलमोस्ट अ डेजर्ट, पानी नहीं होता वहाँ पे. बट उन्होंने इस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, इस तरीके से वाटर को यूज रीयूज करते हैं, बिकॉज यू नो दैट 80% of the domestic wastewater is recycled and that comprises roughly 50% of agricultural water that is used for agriculture. So 80% जो domestic wastewater है treat किया जाता है, उसको recycle किया जाता है, और जितना पानी भी agriculture में लगता है लगभग 50% इस recycled water से आता है. तो इस तरीके के वो leaders हैं world में, मतलब कोई उनको बीट नहीं कर सकता वर्ल्ड में. इवन यूएस और यूके, ऑल दीज कंट्रीज, दे डोंट स्टैंड एनीवेयर व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. एंड दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग, बिकॉज हमारे देश में भी आपको पता है पेनिनसुलर पार्ट में स्पेशली वाटर क्राइसिस है, isn't it? And we also need to ensure that हमारी agricultural productivity बढ़े, हम agriculture में ज़्यादा अच्छा करें, ताकि country as a whole will be prosperous. I hope this is clear. So India and Israel are implementing the Indo-Israel Agriculture Project Centers of Excellence and Indo-Israel Villages of Excellence. तो कई सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं. One of them is Indo-Israel Agricultural Project Centers of Excellence. So 12 states में 29 इस तरीके के centers हैं, जहाँ पे जो centers से let's say better quality of seeds, seedlings, better agricultural technologies, better practices, ये सब farmers को disseminate किया जाता है, उनको spread किया जाता है, उनको सिखाई जाती हैं. And the second thing is Indo-Israel Villages of Excellence, which is IIVOE program. So this is another very very important PT thing. दोस्तों please अभी के अभी note down कर लीजिए या snapshot लीजिए, whatever you are more comfortable with. So you can be asked in the exam, what is IIVOE program? Sounds like some high-tech program, sounds like something related to maybe hybrid cars, related to electric vehicles, but this is related to the Indo-Israeli cooperation villages of excellence. So villages of excellence mein villages ko role model ki tarah develop kiya jayega, jahan pe focus kya hoga, modern agriculture infrastructure, capacity building of the farmers, capacity building में उनको best agricultural practices वगैरह, skill development होगा, and market linkage, how to market the product, because India में problem ये है,
प्रोड्यूस है फार्मर के पास, बट मार्केट करने के में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ही इज जनरली एक्सप्लॉयटेड बाय लॉट ऑफ इंटरमीडियरीज. ही इज एक्चुअली नॉट एबल टू गेट सफिशियंट रेम्यूनरेशन फॉर हिज हार्ड वर्क. सो मार्केट लिंकेज भी अच्छा होगा तो ज्यादा उनको उस चीज का रेम्यूनरेशन मिलेगा, thereby leading to increase of their net income and the betterment of their quality of the farmers. Is it clear? Indo-Israeli cooperation भूलेंगे तो नहीं. It's not just about defense cooperation. At a very big level, we also have the agricultural cooperation going on. तो आज खेती के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों. एक और टॉपिक है खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीटी प्रीलिम्स के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट से रिलेटेड, एंड दिस इज व्हाई आई हैव टेकन इट अप. फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड शाही लीची फ्रॉम बिहार एक्सपोर्टेड टू यूके. अगेन अ वेरी गुड थिंग इंडीड. यू कैन मेंशन दिस इन जीएसटी. किस तरीके से कुछ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है उनको. फॉर एग्जांपल यू कैन मेंशन द केस ऑफ रेड राइस, यू कैन मेंशन द केस ऑफ विलेज राइस, यू कैन मेंशन द केस ऑफ जीआई सर्टिफाइड शाही लीची. और ऐसे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल होगी, एग्रेरियन डिस्ट्रेस कम होगा, रूरल डिस्ट्रेस कम होगा. तो एग्जैक्टली ये पॉइंट्स आप जीएस में भी लिख सकते हैं अंडर इकोनॉमी, अंडर एग्रीकल्चर टू बी मोर प्रिसाइज. सो लेट्स कम टू द न्यूज, देखते हैं खबर क्या है. सो खबर ये है that in a major boost to export of GI certified products, season's first consignment of Shahi Lychee from Bihar was exported to United Kingdom. Very good thing indeed. Shahi Lychee was the fourth agricultural product to get GI certification from Bihar in 2018. GI certification ke baare mein last weekend humne discuss kiya tha in detail related to the law. So GI Act of 1999, we also talked about कि TRIPS के अंडर में आता है ये, जैसे patents होता है, copyright वगैरह होता है, उस तरीके से GI भी होता है, intellectual property right है. And GI is for a particular location, उस particular location, geography की क्या unique चीज़ है, क्या खासियत है. It could be handicraft, it could be toys, it could be let's say agricultural produce. तो state से चौथा इस तरीके का product है, द फर्स्ट बींग जर्दालू मैंगो. प्लीज रिमेंबर, अभी के अभी नोट डाउन कर लीजिए. आपसे पूछा जा सकता है वेर इज जर्दालू मैंगो फ्रॉम, एंड सेकेंड इज कि उसको जीआई टैग मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है. सेकेंड इज कतरनी राइस, एंड थर्ड इज मगाही पान, एंड द फोर्थ वन इज शाही लीची इट्सेल्फ. सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है लीची ग्रो करने के लिए. एंड लेट्स चेक आउट व्हाट आर दो डिस्ट्रिक्ट. सो इट्स इज मुजफ्फरपुर. सो मुजफ्फरपुर इज हियर, दिस वन यू कैन सी. देन वैशाली, वेर इज वैशाली, दिस वन वैशाली. यू नो दिस इज रिलेटेड टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेजेंडरी फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया. कैन यू टेल मी हु इज दैट फिगर. समस्तीपुर, समस्तीपुर इज ओवर हियर. चंपारण, चंपारण आंदोलन आपने सुना होगा. Where is Champaran over here? Champaran over here. Then we have Begusarai. This is Begusarai. Then we have the adjoining district. थोड़ा आसपास के जगह में होता है, ऐसे नहीं कि exactly इन्हीं district में होता है, but these are the centers. India is the second largest producer of lychee in the world after China. So another important fact for you. And Bihar tops in terms of production of lychee. So ये भी आपके लिए बहुत important fact है कि India world में second largest है. Largest कौन है? China as usual in most of the cases. जो भी पढ़ते हैं तो China ही number one पे आता है. And Bihar is the largest producer of lychee in the country. अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जो बहुत ही रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, एंड एज सच इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीटी क्वेश्चन बाय द वे, प्रीलिम्स में काम आएगा आपके, विच इज गवर्नमेंट लॉन्चेस युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स. दिस इज अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ स्कीम. अभी तक की जो स्कीम्स है जनरली वल्नरेबल सेक्शन में है, जनरली इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एमएसएमई से रिलेटेड है, मेक इन इंडिया है, बट यहाँ पे ऑथर्स को टारगेट कर रहे हैं, यंग ऑथर्स को टारगेट कर रहे हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टूडे लॉन्च युवा. सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है दोस्तों, इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्स. बिकॉज युवा अगर आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी अगर प्रिंसिपल पूछा जाए, अगर आपको नहीं पता है इस चीज के बारे में, दैट वुड बी मे बी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्स, राइट. सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑथर मेंटोरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स. जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, यंग हैं, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, in order to promote reading, writing and book culture in the country. So book culture ko promote karne ke liye, in fact Modi ji ne 31st January
2021 को ये मन की बात में कही थी कि इस तरीके से एक प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे जो यंग ऑथर्स हैं इनको देश के बारे में लिखना चाहिए, इनको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम मूवमेंट है उसके बारे में लिखना चाहिए, ताकि जो अगली पीढ़ी है वो इंस्पायर हो इन चीज़ों को देख कर, इन चीज़ों को पढ़ कर. एंड इन द सेम वे द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, राइट? सो युवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव. सो 1947 से लेके 75वां साल वर्ष होने वाला है, बट अभी से ही उस चीज़ का मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है. एंड इट वुड फोकस टू ब्रिंग टू द फोर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ यंग जनरेशन ऑफ राइटर्स ऑन थीम्स लाइक अनसंग हीरोज, बहुत सारे फॉरगॉटन हीरोज हैं, फॉरगॉटन प्लेसेज हैं. तो जो मेन हीरोज हैं उनकी तो बात करेंगे ही, उनके बारे में लिखेंगे, बट बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखेंगे जिनके बारे में देश को उतना नहीं पता है. सो दीज आर सम ऑफ द मोर डिटेल्स अबाउट इट. नेशनल बुक ट्रस्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी. ये इम्प्लीमेंट करेगी, ये मॉनिटर करेगी, प्लस ये सेलेक्ट भी करेगी कि कौन कौन से ऑथर्स को फाइनली प्राइज मिलना चाहिए, बिकॉज फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस भी है. 15 अगस्त 2021 को फाइनली डिक्लेयर किया जाएगा कि किन किन ऑथर्स को फाइनली सेलेक्ट किया गया है. दीज आर द थीम्स यू कैन सी. एंड स्कॉलरशिप 50,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैसेट्स. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है सिंपली इन द फॉर्म ऑफ वॉट इज यू आर एसोसिएटेड विद. और अगर डिटेल में पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर इस तरीके से, तो ग्रेटर डिटेल में पूछ सकते हैं, लाइक वॉट इज द एज लिमिट इस तरीके से. सो यू शुड नो दैट दीज आर द डिटेल्स. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच दोस्तों. आई होप यू एंजॉय द सेशन. जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी सजेशंस. सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड.